मामू और नानी के साथ आयत की पहली तस्वीर का दीदार हुआ इस कदर, मामू सलमान की गोद में आयत के पिक को लग ना जाए किसी की नजर। सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने 27 दिसंबर यानी ठीक अपने भाई के बर्थडे के दिन बेटी को जन्म दिया। अर्पिता ने अपनी बेटी को आयत नाम दिया और आयत के जन्म के बाद से सलमान अपनी भांजी को लेकर काफी खुश हैं। बहन की डिलीवरी की वजह से सलमान ने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया था। 27 दिसंबर से लेकर अब तक सलमान अपनी भांजी से नहीं मिले थे, पर अब जब मिले तो उस मोमेंट की कैप्चर्ड पिक ने लोगों को इस कदर इमोशनल किया कि लोगों को सलमान का इमोशनल अवतार साफ साफ दिख गया। सलमान की गोद में आयत की पिक क्या सामने आई, लोगों ने सलमान का एक अलग ही रूप देखा। इस तस्वीर को अर्पिता खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। हर बार की तरह इस पल को भी अर्पिता खान शर्मा ने अपने कैमरे में इस पल को कैद किया। पिक में सलमान खान अर्पिता की बेटी आयत को अपनी गोद में लिए नजर आ रहे हैं। सलमान के साथ उनकी मां सलमा खान भी मौजूद हैं। अर्पिता ने तस्वीर शेयर करते हुए स्पेशल मैसेज भी लिखा है। अर्पिता ने लिखा, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मुझे डर लगता है और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है। मुझे पता है क्योंकि आप मेरी तरफ से हो और आपने कभी मुझे कुछ नहीं होने दिया। अब आयत को भी यही सुरक्षा मिल गई है, ये हाथ भगवान ने दिए हैं। सलमान खान भी कई बार आयत को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अपने बर्थडे के बाद जब सलमान बिग बॉस होस्ट करने पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि आज से 27 दिसंबर मेरा नहीं आयत के नाम होगा। कल जन्मदिन था मेरा एंड अ न्यूबॉर्न बेबी माय सिस्टर्स किड आयत। सो आज के बाद माय बर्थडे इज नॉट माय बर्थडे एनीमोर, इट इज आयत्स बर्थडे। वैसे आयत के जन्म पर सलमान ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा था, इस खूबसूरत दुनिया में तुम्हारा स्वागत है आयत, धन्यवाद अर्पिता और आयुष मुझे इस बर्थडे पर बेस्ट गिफ्ट देने के लिए, तुम्हें सबका प्यार और आशीर्वाद मिले और तुम हम सबको गर्व महसूस कराओ। सलमान के साथ ही आयत के डैड आयुष ने भी अपने इंस्टा अकाउंट पर पिक्स शेयर की थी और लिखा था, इस खूबसूरत दुनिया में स्वागत है आयत। ऐसा ही प्यार अर्पिता की तरफ से भी उन्हें दिया जाता है। खान परिवार की ये बॉन्डिंग हर जगह देखने को मिलती है। बता दें अर्पिता ने डिलीवरी के दिन भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिसमें वो फैमिली के साथ नजर आ रही थीं। और ठीक उसके एक दिन पहले सलमान के बर्थडे पर अर्पिता फैमिली के साथ सुहेल के घर स्पॉट हुई थी। बता दें अर्पिता और आयुष ने साल 2014 में शादी की थी, फिर साल 2016 में बेटे आहिल को जन्म दिया था। आयुष का संबंध हिमाचल प्रदेश के बड़े सियासी परिवार से है और वो जल्द ही अपनी फिल्म क्वाथा की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। वहीं सलमान की अगली फिल्म राधे है जिसे प्रभुदेवा डायरेक्ट करेंगे। साथ ही सलमान ने साल 2021 की अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को भी अनाउंस कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।